हे गाइस, हम एनालाइज करने वाले अल्काइल अमाइन को, जो कि केमिकल एक केमिकल का स्टॉक है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे नहीं हम इसको एनालाइज करेंगे, वीकली के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं जैसे कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है और ये अभी थोड़ा सा रिट्रेस ले रहा है। और अगर हम देखें इसको ट्रेंड लाइन बना के देखें तो लगभग ये दो से ये एक दो और तीसरी बार तीन बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लिया है, जो कि एक वैलिड अब ट्रेंड लाइन माना जा सकता है। तीन दो बार से ज़्यादा तीसरी बार पे ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाता है। तो हम बस एक हम वीकली के टाइम अब हो गया हमारा, डेली के टाइम फ्रेम में हम अब इसको देखेंगे। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, और जब ये रेजिस्टेंस रिटर्न हो गया है अब यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली दिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है हमें। इसने यहाँ पे एक दो तीन बार इसने ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया और ये अभी चौथी बार यहाँ पे ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट कर सकता है, कर रहा है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मल्टीपल टाइम। देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तीन बार हो चुका है और यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके। अगर ये आने वाले समय में इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देख के इसको बाय कर सकते हैं, और इसका ब्रेकआउट करते ही हम इसे बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस उसके और सेम कैंडल का लो लगा सकते हैं। अगर दूसरा कंडीशन है, अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है दो चार दिन पाँच दिन और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देखता है तो काफ़ी फास्ट मूव देखने को मिलेगा ऊपर के डायरेक्शन में, तो हम उस समय भी बाय कर सकते हैं। और अगर डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो एक ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालाइज कर रहे हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का कुछ तो पैटर्न ऐसा बना रहा है, बराबर ये देखिए, जो कि एक बुलिश पैटर्न है रैली। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे रैली हुई और उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है और रिट्रेस हल्का सा देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-5% के लिए। एक मिनट में आपको बता देता हूँ कितना परसेंट तक का इसका टारगेट आ सकता है, 5% अप्रॉक्सीमेटली 5% ये रेजिस्टेंस तक जाते तक। अगर आपको और भी 10 से 15 और 20 दिन तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप इसे यहाँ पे जाके, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है एंड ब्रेकआउट देता है तो सेम कैंडल का लो लगा के हम इसे बाय कर सकते हैं, और हमारा टारगेट जो होगा वो काफ़ी अच्छा हमें टारगेट दिख सकता है। डेली के टाइम फ्रेम पे हम चेक करें तो इसका ऑल टाइम हाई पे तो कॉमन ऑल टाइम हम हाई हमारा टारगेट होता है, जो नॉर्मल टारगेट रखते हैं। तो अगर यहाँ से करेंगे तो लगभग 28-29% का मूवमेंट ये दे सकता है। वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है अल्काइल अमाइन, दीपक नाइट्रेट, ये सारे स्टॉक हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसे देख सकते हैं, वेट कीजिए ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो सीमेंट का ट्रायंगल बन रहा है उसका ब्रेकआउट होने का वेट की करते हैं, फिर देन बाय करिए। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टॉक को लेने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद इसको एनालाइज कीजिए और भी देखिए, देन इसको बाय कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।